कोलांचल झरिया के तीसरा क्षेत्र MOCP दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को जय श्यामा जय जय श्यामा जय श्री वृंदावन धाम भजन का श्रवण कराया। वहीं भागवत कथा के सातवें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया। कथा स्थल पर श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। विवाह उत्सव के दौरान प्रस्तुत किए गए भजनों के दौरान श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर नाचे। वहीं भागवत कथा के माध्यम से सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, रामदेव पांडे, मंडल अध्यक्ष मंटू रवानी, उपाध्यक्ष मिंटू साव और भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया और कथा श्रवण कर पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही पधारे अन्य अतिथियों ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भागवत रूपी कथा का सप्तम दिवस है और आज विशेष रूप से भगवान का महाराज की कथा है और कहते हैं कि जो महाराज की कथा को सुनते हैं हृदय का बड़ा सबसे बड़ा काम का रोग निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण योगी राज हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। असंख्य गोपियों के बीच में रह करके भगवान ने काम को जीता, क्रोध को जीता। कामदेव जब भगवान महाराज कर रहे तो कामदेव आए, लेकिन कामदेव का पाचो बाण यहाँ नहीं चला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगी राज है और योगी राज को किसी भी प्रकार के इंद्रियां कभी हरा नहीं सकता। ये जीव और परमात्मा का मिलन था, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। ये सारी गोपियां जो थी, कोई श्रुति रूपा, कोई साधन सिद्धा, सारे देवी देवता यहाँ उतार लिए थे वृंदावन में और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में सबकी कामनाओं को ठाकुर जी पूरा किए। निश्चित रूप से जहाँ भी भगवान का नाम होता है निश्चित रूप से सभी लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए और ज्ञान का प्राप्त होना चाहिए। पढ़ाई कभी किसी की पूरी नहीं होती है, उसी तरह ज्ञान का भंडार भी कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक से एक वक्ता हैं, एक से एक महाराज हैं, गुरुदेव जी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और MSUB में यहाँ की सभी भक्तजनों को अपना प्रवचन सुना रहे हैं, कृष्ण कथा सुना रहे हैं, भगवत की कथा सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मनोरम लग रहा है। ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में हर जगह होना चाहिए, मैं इसे बहुत अच्छा समझता हूँ। इससे सुख शांति समृद्धि सबकी बढ़ेगी और मैं चाहूँगा जो भी भक्तगण यहाँ आए हैं सबके घर में सुख समृद्धि बढ़े, खुशहाल रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुख शांति से रहे। घनश्याम ग्रोवर, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।